डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अभी हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चैप्टर वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो अभी हम इस चैप्टर टू पे हैं और वो इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जो पिछला चैप्टर जो चैप्टर वन किया है उसके आखिरी टॉपिक्स में से है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं। तो आपने देखा कि एक उसकी टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक उसकी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी फिर ये चार टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो अभी आप जिस चीज के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर इस ये पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसलिए पहले चैप्टर में थोड़ा सा तारुफ था, दूसरे चैप्टर में उससे ज्यादा तारुफ है। इसी तरह जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसका जो सिस्टम है के मजीद डिटेल के साथ आपको चैप्टर मिलेंगे, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी बुक हुआ करेगी। तो अगर आपकी बेस अभी मजबूत हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने समझ लिया, तो फिर ऐसा होगा कि इंशाल्लाह जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस पढ़ते जाएंगे आपको आसानी के साथ समझ लगती जाएगी। तो आपको जैसे पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में बताया गया कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं। तो सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थी, फिर उनकी टाइप्स है, ये दो टाइप्स है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आपने सब टाइप्स पढ़ी कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, बिजनेस सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी इसी की टाइप है। लेकिन ये जो सेकेंड चैप्टर है आपकी क्लास का, क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसका जो सेकेंड चैप्टर है वो प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है। तो हमने इसमें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपकी बेस बन गई तो फिर इंशाल्लाह आप आसानी के साथ चीजों को समझ जाएंगे। ये चैप्टर का नेम जो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आपको पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइप है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन जैसा कि ये पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, बिल्कुल ही जो मेन मेन चीजें जिस चीज के बारे में समझ नहीं हो तो वो फंडामेंटल्स होती है, ठीक है। जिनकी बुनियाद के ऊपर कोई चीज बिल्ट अप होती है वो उसकी फंडामेंटल्स जो है वो कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन मेन चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये चीजें समझ लगती जाएंगी तो फिर आपको फायदा होता जाएगा। इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया, असल में ये उसकी डेफिनेशन ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये एक क्या है, कलेक्शन है, दैट कंट्रोल्स, एक नंबर कि वो कंट्रोल करता है किस चीज को, द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और फिर इसको मैनेज भी करता है, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर। अब देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब जब आपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो विंडो इंस्टॉल होगी तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो
विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इंटरफेस मुहैया करता है ताकि आप कंप्यूटर के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इंटरफेस कर सके, उससे बातचीत कर सके। इट फैसिलिटेट्स प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम को चलाता है और डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसमें हमारी मदद करता है। इसके बहुत सारे मकासद हैं, ये बहुत सारे इसके पर्पजेज हैं, ठीक है। तो वो सारे मकसद मकासद मिलकर जब उसके हम एक डेफिनेशन बनाते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसका फिर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इसके मकासद क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस के, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ओ डॉट एस से शो किया करेंगे, ओ डॉट एस ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, इसके दो हैं, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि आपको कितना आराम दे जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हार्ड डिस्क, अगर ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हार्ड डिस्क के ऊपर आप डेटा कैसे स्टोर करते हैं, आप यूएसबी को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है, आपकी जो है आसानी के लिए है, एंड एफिशिएंसी और बेहतरी के लिए। एफिशिएंसी एफिशिएंसी कारकर्दगी के हिसाब से होते हैं, यानी कि उसकी बेहतरी के लिए, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो दो मेन हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस के लिए। इट मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं, उसमें किसी हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप फाइल फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कन्वीनियंस के लिए है, आपकी जो है वो आराम के लिए कि आप उसको आसानी के साथ यूज कर सके। इट अलाउज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू। कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं असल में वही कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, सच एज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी रैम जो है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड इंटरनेट टू बी यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर। ताकि हम क्या कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा ये होगा कि हम ये कर सके कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके और एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। एफिशिएंट का वर्ड जो है वो इसकी कारकर्दगी को करता है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जिससे उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, ठीक है। तो वही दूसरा जो डेवलपर है वो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाता है, वही गेम बनाता है, लेकिन वो कम मेमोरी यूज करता है, ज्यादा जो है वो प्रोसेसिंग उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन में उसका आसान है, वो कंपेटिबल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। एक ही गेम है लेकिन दो मुख्तलिफ डेवलपर ने बनाई है, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। एक जो रिसोर्सेज कम यूज करके ज्यादा टाइम जो है वो बचाता है और आपके लिए फायदा देता है, तो वो एफिशिएंट होता है सॉफ्टवेयर। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी एफिशिएंट होते हैं, आपकी कम से कम मेमोरी को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को जो है एंगेज करता है और उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करवाता है। इट कैन बी व्यूड एज रिसोर्स मैनेजर, इट कैन बी व्यूड एज अ रिसोर्स मैनेजर। इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। क्यों इसको रिसोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं कि ये कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट या ब्रीफ नोट ऑन रिसोर्स मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना, ठीक है। तो ये अभी बेसिक दो चीजें, अभी लेक्चर में यहीं पे इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके फीचर कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव जो है इसके अलावा कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो पहली स्लाइड में बताया है कि सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो पहली टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंट्रोल करता है एंड मैनेज, इसमें एक वर्ड का इजाफा कर रहे हैं, दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर।
ये कंप्यूटर के दरमियान और कंप्यूटर यूजर के दरमियान क्या करता है, ये एक इंटरफेस के तौर पर काम कर रहा होता है। इट फैसिलिटेट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इसके ऊपर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम कोई गेम बना सकेंगे ना उसमें। इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक है कन्वीनियंस कि ये आसानी पैदा करता है किसके लिए, यूजर के लिए, ताकि वो आसानी के साथ जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज उसको यूज कर सके, लेकिन किस तरीके से, एफिशिएंट वेज के साथ, इस तो ये एफिशिएंसी भी दिखाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जब पेपर में पूछा जाए तो आपने दो लिखने हैं, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देनी है कि ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है हमें, आसानी प्रोवाइड करता है किसके लिए, कि हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को आसानी से साथ इस्तेमाल कर सके, लेकिन एफिशिएंट तरीके से। ये नहीं है कि मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है, नहीं, इस तरीके से करेगा कि उसकी मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो और वो गेम भी चल जाए, वो एप्लीकेशन भी चल जाए, वो काम भी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर इंशाल्लाह हम तैयार रहेंगे, तो वो आप वो थोड़े दिन में ना, या कल या परसों का इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।